आप सभी का स्वागत है प्लाज्मा न्यूज़ पर। मैं आपके साथ रिजवान खान, हमारे साथ देश की जानी मानी सोशल एक्टिविस्ट मित्र पाटीकर मैम है। मैम, आप शाहीन बाग प्रोटेस्ट में आई हैं और सीए का विरोध कर रही हैं, मगर लगातार सरकार ये कर रही है सीए जो है वो लोगों को नागरिकता देने का कानून है, नागरिकता लेने का कानून नहीं है। आप इस पर क्या कहना चाहिएगा? नागरिकता प्रदान करने के लिए संविधान बना हुआ है और 1955 से जो कानून बना था वो था ही, उसके संशोधन पर सवाल उठा है और संशोधन में ये बात जाहिर हो चुकी है कि जो अनुच्छेद 2 का प्रोविजो डाल दिया उसमें तमाम धर्मों का नाम लिया लेकिन मुस्लिम धर्म का नाम इस्लाम का नहीं लिया, मुसलमानों को एक प्रकार से बाजू में करने की एक साजिश चलाई, वोट बैंक बनाने की सोच होगी अर्थात। लेकिन हुआ क्या, आसाम में इसी के तहत जो NRC बनाने का काम चलाने का उन्होंने वायदा किया, उन्होंने हिंदुओं को भी तो 12 लाख से ज़्यादा बाहर कर दिया। आखिर एक तहसीलदार या पटवारी अगर कागज़ देखकर कुछ भी करने को बैठेगा तो इस देश का भ्रष्टाचार क्या नतीजा लाएगा, वही लाया गया है। और वहाँ इतने डॉक्यूमेंट्स देखते देखते दिखाते दिखाते लोग भी हैरान हुए, सरकार भी हैरान हुई। आखिर में उन्होंने वो NRC, क्योंकि CA कानून बनकर के ऑटोमेटिक नागरिकता तो मिलने वाली नहीं, उसका अमल का रास्ता रजिस्टर ऑफ सिटीजन से, तो वो नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर हो, सेंसस के साथ बनता हुआ यही हो। अगर इन्होंने कागजातों में 2003 के नियमों में भी और जोड़ दिए और उसके कारण अब लोग हैरान हुए आसाम में, यहाँ भी होने वाली है। आसाम में डिटेंशन कैंप्स भी नहीं है, लोगों को सीधे सीधे जेल में डाला है। डिटेंशन और कस्टडी में जो फर्क होता है वो क्या लॉ एंड ऑर्डर के नुमाइंदे समझते नहीं है क्या, ये बात है। तो इसलिए तीनों का एक साथ विरोध करना चाहिए, जो मजहब के नाम पर नागरिकता की बात करते हैं वो संविधान के खिलाफ है, इंसानियत के भी खिलाफ है, ये मानते हैं। मैम, 2 महीने से ज्यादा हो चुके हैं, लाखों बेटियां देश की सड़क पर हैं और लगातार विरोध कर रही हैं और प्रधानमंत्री से कहा है, उन्होंने कहा है ये बात कि हम CA वापस नहीं लेंगे, रास्ता कैसे निकलेगा, कैसे रास्ता निकलने की संभावना है आपको दिखती है? सरकार कोई भी हो जो पहले दिन कर सकती है वो कभी 100 दिन के या सालों के आंदोलन के बाद करती है, ये हमारा अनुभव है, पर करना पड़ता है। जब अहिंसक ताकत जीवटता दिखाती है, कटिबद्धता दिखाती है और लोग जुड़ते जाते हैं, कटते नहीं है, तब सरकार को मानना ही पड़ता है, आखिर उनको अगला चुनाव भी तो लड़ना होता है। अच्छा, मेरा सवाल है कि अमित शाह ने बुलाया कि जिनको CA से प्रॉब्लम है वो लोग आए, आप क्यों नहीं गए? प्रधानमंत्री साहब क्यों नहीं बात करें? देश की तो जानी मानी आप हस्ती हैं, देश जानता है आपको, आप क्यों नहीं गए प्रधानमंत्री के पास, आप क्यों नहीं गए अमित शाह के पास, क्यों नहीं बातचीत रखा? हम कोई अपनी मन की बात करने के लिए जाए उनके पास, वो एक तरफा बात करते हैं। नर्मदा के मुद्दे पर तमाम प्रधानमंत्रियों ने हमारे साथ बात की, एक ही प्रधानमंत्री ने नहीं की और वो है नरेंद्र दामोदर दास मोदी। तो अगर वो बुलाए तो आज मैं जाने को तैयार हूँ, हम तो संवादशील हैं, पर उनकी संवादहीनता तोड़ने के लिए क्या करें भाई, हम तो कोई अस्त्र या शस्त्र लेकर खड़े नहीं होते, हम तो आंदोलन के द्वारा ही आखिर उनको बातें कबूल करने के लिए मजबूर करते हैं, वो अहिंसक सत्याग्रही बनकर। और आपको मैं कहूँ, अभी आसाम का जब उनको इनके एक प्रकार से हार हुई आसाम, क्योंकि 13 लाख करीबन 12 लाख से अधिक हिंदू बाहर हो गए, अब आवाज़ आक्रोश उठा हुआ है आसाम में, उन्होंने CA का और NRC का नहीं पर CA का भी विरोध करने वालों को जेल में डाला है, लेकिन अभी उनको कहना पड़ा है कि वो NRC का डेटा गायब हो गया, नष्ट हो गया, लापता हो गया, तो अब फिर से NRC करेंगे। तो देखिए, इतना आसान नहीं है, 1600 करोड़ रुपया सार्वजनिक तिजोरी से खर्च किया आसाम के लिए और 8000 करोड़ रुपए के लोगों के खर्चा हुआ कागजों के लिए, कतारें लगी, हैरान किए गए लोगों को, पर आज भी आसाम शांत नहीं है और इनको फिर से NRC करना पड़ रहा है। तो क्या देश में ये संभव है? घुसपैठियों को निकालना भी संभव है इस प्रक्रिया के द्वारा? नहीं, अगर होता तो आसाम अभी तक हो जाता ना शांत, 6 साल से चल रही है प्रक्रिया। इसीलिए देश भी जान रहा है ना, आंदोलन से एक प्रबोधन भी होता है, महिलाओं के आगे आने से एक प्रकार की अभिव्यक्ति की आज़ादी केवल नारों से नहीं मिलती है, व्यक्त होती है आंदोलन के द्वारा। मेरा आखिरी सवाल आपसे होगा, आप शाहीन बाग में आई हैं, क्या दिख रहा है शाहीन बाग में, आप क्या महसूस कर रही हैं यहाँ?
यही महसूस कर रही है आज जब दिल्ली में इतनी हिंसा का एक नंगा नाच खेल कर दिखाया है पिछले 3 दिन, तो भी यहाँ निडरता बनी हुई है और ये निडरता महिलाओं की जीवटता से आती है। मुझे तो लगता है कि ये संघर्ष के साथ अब यहाँ रचनात्मक कार्य शुरू होने चाहिए। जो हुनर मुस्लिम समाज के महिलाओं में है, हमारे बम्बई के बस्ती बस्ती में, कोई मंडाला में, कोई अम्बुजवाड़ी में, महिलाएं जो सखी निर्माण केंद्र चलाती है, थैलियाँ बनाती है, कशीदा काम करती है, वो यहाँ भी शुरू हो सकता है। यहाँ युवाओं ने अपना अपना रोजगार का एक एक साधन पैदा करना चाहिए। कोई सिलाई करे, कोई कशीदा करे, कोई और कुछ वस्तु निर्माण करे, बहुत सारी सोच हो सकती है। और संघर्ष निर्माण एक साथ चलने से आंदोलन बहुत लंबा चलने की ताकत रखता है। नहीं तो आज एक कानून पर हम ध्यान दे रहे हैं और बहुत सारे कानून मोदी सरकार हटा रही है, 144 श्रम कानून, तो ये जो दोहरी बात चल रही है उस पर भी इस मंच से प्रबोधन होना चाहिए। दलितों की बात उठनी चाहिए, आदिवासियों की उठनी चाहिए, किसान मजदूरों की उठनी चाहिए, अपने अपने जगह पर ये समुदाय भी अब उतरे हुए हैं CAI, NTR और NRC का विरोध करने के लिए, पर इस मंच से बात होना बहुत महत्व का है क्योंकि शाहीन बाग आज एक आंदोलनों का तख्त बन गया है। मैं बहुत कीमती वक्त दिया, थैंक यू फॉर वॉचिंग।